दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हीरे कैसे बनते हैं? कभी आपने हीरो की बस्ती देखी है? आखिर दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां हीरे बिखरे पड़े हैं? ऐसी जगह तो शायद हर शख्स जाना पसंद करेगा जहां हर तरफ हीरे बिखरे पड़े हों और उन्हें उठाने की इजाजत भी हो। वाह, फिर तो कोई भी रातों रात मिलियनेयर या बिलियनेयर बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, इन्फोट्रेंड टीवी के इस वीडियो में हीरो की बस्ती के बारे में जानते हैं। इन्फोट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हीरे दौलत और खूबसूरती के साथ साथ लाफानियत और ताकत की अलामत समझे जाते हैं। चमकते हुए ये हीरे हकीकत में कोयले और ब्लैक कार्बन यानी कि ग्रेफाइट का मजमुआ है जो जमीन के अंदरूनी हिस्से में बनते हैं। हीरे लाखों साल पहले जमीन के बैरूनी खोल से सैकड़ों किलोमीटर नीचे अंदरूनी परतों में बने थे। बहुत ज्यादा जमीनी दबाव और इंतहाई दर्जा हरारत कार्बन के एटम्स को ठोस क्रिस्टल की शक्ल फराहम करते हैं और इस तरह खाम हीरे तैयार होते हैं। आतिशबाजी फटते हैं तो ये खाम हीरे जमीन की बालाई सतह तक पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि हीरों को आतिशबाजी की चट्टानों में तलाश किया जाता है। हीरे दूसरे जवाहरात की तरह ही हैं, लेकिन ये एक ऐसी नायाब मादनियात है जिसका रंग, खालिसपन, शफाफियत और मजबूती इसे दूसरे से मुमताज बनाती है। हर किस्म का कीमती हीरा एक खास कीमियाई साख्त पर मबनी होता है। हीरे के रंग के साथ साथ इसे तराशने का अमल इसे मजीद मुनफरिद बनाता है। हीरा जितना नायाब होगा उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। एक हीरे की कीमत उसकी शफाफियत, रंग, तराश और किरात तय करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे रूस, बोट्सवाना, कांगो, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा निकालते हैं। हीरों की गैरकानूनी तिजारत भी की जाती है जिसे ब्लड डायमंड्स कहा जाता है। आसान लफ्जों में ब्लड डायमंड्स उन हीरों को करार दिया जाता है जो अफ्रीका के जंग ज़दा इलाकों से स्मगल किए जाते हैं और उनकी कमाई से बागी ग्रुप अपनी तंजीमों को चलाते हैं। सन 2003 के कैमरेले अदालती फैसले में ऐसे हीरों की बैनुल अक्वामी तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अब हर हीरे की कानूनी हैसियत एक सनद से साबित की जाती है कि ये किस इलाके से है और किस कंपनी ने निकाला है। हीरे साइंस के लिए भी इंतहाई दिलचस्प है क्योंकि ये दुनिया का सख्त तरीन मटेरियल है। एक हीरा आसानी से मार्बल या ग्रेनाइट को काट देता है। यही वजह है कि ड्रिल या फिर काटने की मशीनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर तिब में भी डायमंड ड्रिल का इस्तेमाल होता है। इस मकसद के लिए असली हीरो का इस्तेमाल बहुत ही महंगा पड़ता है, लिहाजा सनती सतह पर तैयार करदा मस्नूई हीरे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप ये जानने के लिए बेचैन हो रहे होंगे कि आखिर हीरो की बस्ती है कहाँ। अमेरिकी रियासत आर्कनसास में हीरो की एक ऐसी कान है जहां हर कोई जा सकता है। दरअसल इस जगह के चारों तरफ हीरे ही हीरे बिखरे पड़े हैं, जहां कोई भी आम आदमी जाकर हीरा ढूंढ सकता है। वहां पर जिसे हीरा मिल जाए वो उस शख्स का हो जाता है। आमतौर पर हीरे की किसी भी कान में जाना अननोन पर्सन के लिए मुमकिन नहीं होता। एक वजह तो यह है जमीन से वो बहुत गहराई में होते हैं, दूसरा वहां खतरा भी बहुत होता है, लेकिन आर्कनसास की कान में हर कोई जा सकता है। आर्कनसास नेशनल पार्क में वाके 37.5 एकड़ फील्ड की बालाई सतह पर अक्सर ढूंढने वालों को हीरे मिल ही जाते हैं। यहाँ 1906 में हीरे मिलना शुरू हुए थे और अब तक यहाँ से हजारों की तादाद में हीरे दरियाफ्त हो चुके हैं। जॉन डेलिस्टोन नामी एक शख्स ने सबसे पहले यहाँ हीरे की खोज की थी। उन्हें दो चमकते हुए हीरे मिले थे। इसके बाद इस जगह को हीरो का गढ़, द क्रिएटर ऑफ डायमंड्स कहा जाता है। बाद में जमीन के मालिक जॉन ने अपनी 243 एकड़ जमीन हीरो की एक कंपनी को महंगे दामों बेच दी। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे रिहायशी मकामात हैं जहां हर शख्स लाखों और करोड़ों की दौलत का मालिक है, लेकिन आर्कनसास की कान में कोई भी आम आदमी जाकर एक लम्हे में करोड़पति बन सकता है, मगर शर्त यह है कि उसे हीरा जरूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद ऐसी इंटरेस्ट से भरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इन्फोट्रेंड टीवी को और प्रेस कर दीजिए बेल के आइकन को, ताकि हमारा ताल्लुक रहती दुनिया तक कायम रह सके। अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।